दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के नए नए फीचर्स सामने आ रहे हैं। ऐसा ही अनअकैडमी एक नया फीचर्स लेकर आया है। एनसीईआरटी के बुक्स में आपको कोई भी डाउट्स हो, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में योर डाउट्स के फीचर्स में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डायरेक्ट जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने डाउट्स का फोटो कैप्चर करना या फिर फोटो को क्रॉप करके अपलोड करना है। एक क्वेश्चन को एक बार में पूछे, विद इन 10 सेकंड्स आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा और सवाल का जवाब आपके सामने रेडी होगा। मजे की बात ये है कि यहाँ पे आप 10 डाउट्स पूछते हैं तो अनअकैडमी 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देगा। आपको हमारे कोड FACTS10 यूज करके यहाँ फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ 10 मार्च तक वैलिड है, तो जल्द ही अपने डाउट्स पूछना शुरू करो। दोस्तों, हर देश में पढ़ाई एक बेहद ही जरूरी विषय है और लगभग हर देश अपने एजुकेशनल सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिशों में जुड़ा है, जिसमें हमारा देश इंडिया भी जमकर मेहनत कर रहा है। आज कई इंटरनेशनल कंपनीज जैसे गूगल और नासा में हमारे देश के कई हिंदुस्तानी एम्प्लॉयज हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे एजुकेशन की वजह से, जो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। इंडिया में एक नहीं बल्कि कई बोर्ड्स हैं, जिनमें CBSE, ICSE और हर राज्य के बोर्ड्स, जिन्हें हम स्टेट बोर्ड्स कहते हैं। अब ऐसे में शायद आप में से कई लोगों के लिए इन बोर्ड्स के बीच का अंतर जानना जरूरी है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इन्हीं 3 मेजर बोर्ड्स यानी CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड को कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर एग्जाम्स और डिफिकल्टी से लेकर सिलेबस तक ये सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। CBSE का पूरा मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो एक गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड है। इस बोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथों में है। आज से 58 ईयर्स पहले 3 नवंबर साल 1962 में CBSE का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वहीं इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी ICSE, ये एक नॉन गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, यानी ये CBSE की तरह गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है। ICSE का फॉर्मेशन आज से 62 ईयर्स पहले 3 नवंबर साल 1958 में हुआ था, और ये एक प्राइवेटली हेल्ड नेशनल लेवल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। वहीं इंडिया में लगभग हर राज्य के पास अपना बोर्ड है। इंडिया में टोटल 52 स्टेट बोर्ड्स हैं, और हर स्टेट बोर्ड की शुरुआत अलग वक्त पर हुई। स्टेट बोर्ड पूरी तरह गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हर स्टेट बोर्ड को राज्य की सरकारें संभालती हैं। इंडिया के सबसे मशहूर और बेहतरीन स्टेट बोर्ड्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड और केरला स्टेट बोर्ड का नाम है। 35 बोर्ड्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को 4th इन दी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया का रैंक मिला है। वहीं यूपी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में पूरे एशिया का लार्जेस्ट बोर्ड है। इन बोर्ड्स के अलावा भी बाकी स्टेट बोर्ड्स भी बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिशों में जुड़ा है। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। CBSE को फ्लेक्सिबल बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि CBSE न सिर्फ इंग्लिश मीडियम बल्कि हिंदी और मराठी मीडियम लैंग्वेजेस में भी पढ़ने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, यानी स्टूडेंट्स को यहाँ लैंग्वेजेस पर अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं ICSE सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करता है, और ये पूरी तरह इंग्लिश मीडियम में ही एजुकेशन ऑफर करता है। वहीं स्टेट बोर्ड्स में स्टेट लैंग्वेज मेन होती है और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है। स्टेट बोर्ड्स में भी स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 3, एग्जाम पेपर्स। CBSE में 6 पेपर्स होते हैं, पर ICSE में 12 पेपर्स तक होते हैं। वहीं स्टेट बोर्ड में 6 पेपर्स होते हैं, जिनमें 5 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। 12th क्लास में स्ट्रीम्स के अनुसार सब्जेक्ट्स बदलते हैं। ICSE सिलेबस काफी लेंदी है, इसीलिए CBSE और स्टेट बोर्ड्स की तरह यहाँ नॉर्मल एक सब्जेक्ट के लिए एक ही पेपर नहीं होते, बल्कि इंग्लिश के 2 और साइंस के 3 कुछ इस तरह टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 4, नॉलेज टाइप। CBSE थ्योरी बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है, उन्हें याद करवाया जाता है और थ्योरी बेस्ड लर्निंग होती है। वहीं ICSE में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी खास ध्यान दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझे और न सिर्फ थ्योरेटिकली, जो बेशक पढ़ाई का एक बेहतरीन तरीका है। वहीं स्टेट बोर्ड में भी ज्यादातर थ्योरी बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ कॉन्सेप्ट्स CBSE और ICSE के मुकाबले कम विस्तार में समझाए जाते हैं, ताकि वो मुश्किल न लगे और याद करने में तकलीफ न आए। नंबर 5, स्कीम्स। CBSE की वैल्यू गवर्नमेंट की नजरों में बहुत ज्यादा है। इसे गवर्नमेंट का भारी सपोर्ट है, क्योंकि इसके पीछे पूरी तरह गवर्नमेंट का ही हाथ है। इसीलिए CBSE में स्कॉलरशिप और दूसरी ऐसी स्कीम ज्यादा होती है। वहीं ICSE को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट तो होता ही है, और यहाँ स्कॉलरशिप जैसी स्कीम्स भी मिलती है, पर CBSE के कंपैरिजन में यहाँ स्कीम्स कम है। वहीं स्टेट बोर्ड्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और इसीलिए यहाँ स्कॉलरशिप जैसी स्कीम्स की कमी नहीं है। स्टेट बोर्ड्स में फीस के ऊपर भी कई स्कीम्स होती है, जो गरीबों के लिए मददगार साबित होती है। नंबर 6, नंबर ऑफ स्कूल्स। CBSE के 21,271 स्कूल्स हैं, और वो भी न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी हैं। वहीं ICSE के पास 2019 के अनुसार 2,247 प्लस स्कूल्स हैं, और ये इंडिया में ही हैं, क्योंकि ICSE एक नेशनल बोर्ड है। वहीं इंडिया में टोटल 52 स्टेट बोर्ड हैं, और हर स्टेट में स्कूल्स के अलग काउंट्स हैं। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड के पास 10,654 स्कूल्स हैं। नंबर 7, सिलेबस।
CBSE का सिलेबस फुली डिजाइन और कॉम्पैक्ट है। CBSE का सिलेबस NCERT के सिलेबस पर बेस्ड है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। CBSE स्कूल्स और बोर्ड्स NCERT के सिलेबस पर बेस्ड पढ़ाई करते हैं। CBSE हर एक साल में अपना सिलेबस अपडेट करता है। वही ICSE का सिलेबस CBSE के मुकाबले मुश्किल होगा क्योंकि इसका सिलेबस काफी लेंदी होता है। ICSE का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, पर इसका सिलेबस प्रैक्टिकल नॉलेज से भरा होता है। वहीं स्टेट बोर्ड का सिलेबस काफी हाई कंटेंट और इन्यूमरेबल फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट माना जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स अक्सर मगिंग प्रोसेस यानी रट्टा मारकर पास होने की कोशिश करते हैं। यानी स्टेट बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेथड CBSE और ICSE के सामने थोड़ा सा वीक है, पर यह बढ़ते समय के साथ बेहतर होता जा रहा है। नंबर 8, करियर। CBSE NCERT के सिलेबस पर चलता है और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस NCERT और CBSE से मेल खाता है। हर एंट्रेंस एग्जाम में NCERT और CBSE के सवाल होते हैं। IIT, JEE, IIT, मेडिकल एग्जामिनेशन और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हर एग्जाम में CBSE के ही सवाल होते हैं, तो जिसे गवर्नमेंट जॉब्स करनी है उसके लिए CBSE बहुत ही बेहतरीन है। वहीं ICSE से अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स करनी भी है तो CBSE की किताबें पढ़ना जरूरी है, पर ICSE का सिलेबस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से काफी सिमिलर है, जिसका मतलब ICSE की एजुकेशन की कीमत इंडिया के बाहर ज्यादा होगी क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है जो आगे रिसर्च की फील्ड में बेहद काम आता है। वहीं स्टेट बोर्ड्स के बाद किसी और बोर्ड में पढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि एजुकेशनल लेवल में भारी बदलाव आते हैं। नंबर 9, फ्रॉम अदर बोर्ड्स। स्टेट बोर्ड से CBSE में एडमिशन लिया जा सकता है। स्टेट बोर्ड के बाद CBSE में एडमिशन लेना संभव है, लेकिन स्टेट बोर्ड से ICSE में एडमिशन बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। नंबर 10, डिफिकल्टी। अगर CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड की डिफिकल्टी की बात करें तो CBSE एक डिजाइन कॉम्पैक्ट सिलेबस है, वहीं ICSE एक लेंथी थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सिलेबस है, जिसका सीधा मतलब CBSE के मुकाबले ICSE बेहद कठिन है। पर स्टेट बोर्ड की पढ़ाई दोनों ही CBSE और ICSE से आसान होती है, इसीलिए स्टेट बोर्ड की डिफिकल्टी बाकी दो बोर्ड के मुकाबले कम है। तो ये था ICSE, स्टेट बोर्ड और CBSE के बीच कंपैरिजन। तो दोस्तों, आप कौन से बोर्ड से हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।